नमस्कार हजारी डांस में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डांस। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घर पर अच्छी तरह से ताल बैठ के हम बता दे प्लेटफॉर्म पे मौजूद है और ये हम बता दे परशुराम जयंती का जो ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है भगवान परशुराम का जन्मोत्सव पर एक विशाल ऐतिहासिक है। हालांकि बता दे इससे पहले भी निकलती रही, लेकिन आज जो अद्भुत नजारा हमने देखने को मिला वो शायद कल्पनीय है और कहीं ना कहीं इस अद्भुत नजारे को हम आपको पूरा दिखाएंगे। और जिस तरह से आज नगर के लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, वही नगर में हर जगह इस शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। हम बता दें जगह जगह स्वागत किया गया और जिस तरह से इन अद्भुत नजारों को हम आपको दिखाएंगे और कैमरा के माध्यम से अरे देखिए आज का जो आज की जो शोभा यात्रा है ये कहीं ना कहीं एक अद्भुत है और इन अद्भुत नजारों को हम आपको देखिए नृत्य यहाँ बुंदेलखंड का कहीं ना कहीं दिखाते हुए लोगों में जोश जनून शायद पहली बार देखने को मिला। आज की शोभा यात्रा पर क्या कहेंगे? बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय, अविस्मरणीय। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। परशुराम जयंती पर इतनी भव्य शोभा यात्रा पहली बार विशाल, अद्भुत, अविस्मरणीय, अकल्पनीय है। और हम बता देंगे ऐतिहासिक पलों को हम आपको दिखा रहे हैं। आज से पहले शोभा यात्रा आपने कब देखी? क्या आज से पहले? नहीं, पहली बार। इससे भी अच्छी होगी, बहुत बहुत भव्य है। क्या ऐतिहासिक शोभा यात्रा है, इसमें युवाओं का योगदान और महिलाओं का योगदान बहुत उत्साहनीय है। क्या बात है, महिलाओं का भी इस बार योगदान है? नहीं बिल्कुल नहीं देगी। ये हम पूरी कमेटी को धन्यवाद देते हैं, इन्होंने जिस तरह का ये प्रयास किया है ऐसा ही प्रयास आगे करते रहे। सारा नगर का सहयोग उनके साथ था, है और रहेगा। बहुत शानदार आयोजन परशुराम समिति के द्वारा, बेहतरीन आयोजन। पहली बार ऐसी परशुराम जयंती चालक में निकली है, ऐसा बहुत पहली बार हुआ है। बहुत सही हो गए। नमस्कार सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। विष्णु जी की भगवान परशुराम के हमारे बहुत धूमधाम से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, हमारे अद्भुत नजारे को हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ लोगों से भी बात करेंगे। क्या बात है, बढ़िया निकली है। हम लोगों ने यहाँ पे आके दर्शन किए, यहाँ पे आए बहुत अच्छा लगा, अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। ये कहेंगे कि जय परशुराम, कैमरा के माध्यम से दिखा रहे हैं अमित जी, अमित गुप्ता हमारे सहयोगी इस कवरेज को कर रहे हैं हमारे साथ। और ताल महल के लोगों का कहना है कि आज से पहले शायद जितनी अद्भुत शोभा यात्रा नहीं देखी गई। और हम बता दें इस पूरी शोभा यात्रा में बात करें तो तहसीलदार राजवेंद्र शर्मा बकोतवाल, पीएल यादव अफेजल वर्ग के साथ पूरी तरह मौजूद रहे। ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है और इस अद्भुत नजारे को कैमरा के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। और क्या कहेंगे, ये बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ है इस बार, मैंने पहले कभी भी ऐसा आयोजन नहीं देखा। ऐतिहासिक आयोजन, ऐतिहासिक परशुराम जो शोभा यात्रा निकल रही है, ऐतिहासिक शोभा निकल रही है। परशुराम संपर्क हुआ है, इसलिए सारे ब्राह्मण एकत्रित हुए हैं। सर दिख रहा है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद, पत्रकारों का, पेपर वाले का, आपका, क्योंकि आपके सहयोग से ही नगर नगर में ये सूचना पहुंच पाई। क्या
कहना है, आज से पहले कभी ऐसी देखी नहीं गई। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप लोगों का कहना है भाई, हम लोगों तो इकट्ठा करने का काम था, ये आप लोगों का कहना है। बिल्कुल, इस शहर के लोग कहेंगे परशुराम यात्रा देखने जाने से, इससे ज्यादा होगा सभा होगा। संकल्प लें हिंदुत्व के लिए, संकल्प लें। जय जय परशुराम, जय जय। देखिए योगी का एक रिजेक्ट चल रहा है यहाँ पर बताएं, और एक योगी का रिजेक्ट क्या बात है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया, एकता ब्राह्मणों की देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। हमारे साथ में जुवेन्द्रनाथ जी के महाराज जी है आजमणि में, और योगी बाबा जी आज बहुत ही दिव्य बिल्कुल बहुत सुंदर बाबा का रिजेक्ट। जी जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो अमित जी, इस अद्भुत नजारे को हम पूरे कैमरे में कैप्ट करें, कैसा महसूस कर रहे हैं? जय कुंडा, जय परशुराम। परिणाम की भागीदारी पहली बार देखी गई है, और इस तरह से हम मिलाए बताएंगे आपको कि देखिए सुरक्षा में तैनात है महिला पुलिस अधिकारी, और देखिए महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की भागीदारी पहली बार। बहुत अच्छा लग रहा है हमें, जय जय सिया राम। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जय जय सिया राम। हम महिलाओं की भागीदारी के बारे में बताएंगे, पहली बार देखिए नन्ही नन्ही बेटियां, देखिए बच्चियों में उत्साह है, क्या गजब का उत्साह बच्चियों में देखा जा रहा है, बेटियों में देखा जा रहा है, देखिए अद्भुत नजारा ताल बैठ के पेट्रोल पंप से हम दिखा रहे हैं भगवान की। आप पूरी सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्या बात है। पहला थाना रजनी मिश्रा जी पूरी जो की है इंचार्ज है थाना की पूरी, और वही पूरा इस समान को संभाल रही है महिलाओं की सुरक्षा में, लेकिन किस तरह से तैनात है कहीं ना कहीं महिलाओं। महिलाओं के अद्भुत जोश को, बच्चियों के करने वाले बच्चियों के अद्भुत जोश को दिखाएंगे, दिखा रहे हैं आप देखिए सभी लोग इतनी संख्या में शायद हमने पहली बार परशुराम की शोभा भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में देखा, क्या बात। इस अद्भुत नजारे को हम अपने कैमरा में दिखा रहे, और कहीं ना कहीं महिलाओं का जोश देखिए यहाँ पर हम बताएं, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अररिया टाइम्स परिवार को, जो आपने ऐतिहासिक झांकी है आज बाबा परशुराम की, अगले अवतारी छठवें अवतारी परशुराम जी है, और कमी नहीं लगी थी आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कुछ कम। युवा जागृति मंच के संयोजक सुनील त्रिपाठी करते हुए क्या कहेंगे पूजन करते वक्त, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम, जय सिया राम, जय जय परशुराम रे भैया, बहुत बहुत जलूस है, सब पे प्रबंध होगा, बहुत बहुत आभार लो भाई। और देखिए इस अद्भुत नजारे को हम अमित जी से कहेंगे कैमरे के माध्यम से दिखाएं, और पूरी तरह से इस कैमरे को कैद करें इस कैमरे में, और इस अद्भुत नजारे को हम बता दें, क्या बात है युवाओं में, क्या जोश देखने को मिला,
बहुत साल बाद पहले देखा लोग सेल्फी लेते हुए, सेल्फी का काफी हम बता दें इस यात्रा को इतना अद्भुत कर दिया कि लोग सेल्फी ले रहे हैं। और श्याम प्रकाश चतुर्वेदी जी हमारे मित्र इस कवरेज को भी कर रहे हैं, साथ साथ लाइव चला रहे हैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आ जा रही है टाइम्स की ओर से, देखिए अद्भुत नजारे को हमने पूरा अपने कैमरे के माध्यम से दिखाया है और देखिए नन्हे मुन्ने बच्चों को क्या बात है। चलिए इस अद्भुत नजारे को परशुराम बने हुए हैं और कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो आप अस्त्र धारण करते हैं उनका कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंश आ जाता है। काफी टाइम लग रहा है, ये भव्य यात्रा हम सब ब्राह्मण बंधुओं की एकता का प्रतीक है और इससे आगे भी हम भव्य कार्यक्रम करेंगे। यहाँ के विप्र जो है जाग रहे हैं, एक हो रहे हैं और ये उसका स्वरूप है। आगे इससे भी भव्य शोभा यात्रा हम लोग निकालेंगे। जुट हुए ब्राह्मणों को लगा कि हम लोग उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, हमें एकजुट होना आवश्यक है। कहीं ना कहीं तालवर के एकजुट हो रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरह एकजुट है, हर तरीके से एकजुट है। बहुत अच्छा लगा आज स्वागत करने में और ऐसे ही हम सारे समाज के कार्यक्रम में हिस्सा लेते रहेंगे। जय जय परशुराम। जिस तरह से हमने आपको ताल बैठ की अद्भुत शोभा यात्रा को हम बताए दिखाया है और जा रही है बता दे जिस तरह से पूरा कवरेज दिखाया है और हमने लोगों की राय भी जानी। और जिस अगर हम सुरक्षा की बात करें तो पुलिस की व्यवस्था चकचौंध रही, वहीं अगर हम तहसीलदार राघवेंद्र शर्मा की बात करें, वहीं अगर हम कोतवाल पीएल यादव की बात करें वह पूरे दलबल के साथ मौजूद रहे पूरी यात्रा में और इस यात्रा को पूरा समाप्त करा के हम की पुलिस बल जैन की सांस लेगा, क्योंकि समय से ही पुलिस के लिए कहीं ना कहीं ये चुनौती बना हुआ था। इस यात्रा की भव्य थी और पुलिस के सामने भी चुनौती थी, पर हम बता दें ये सकुशल भव्य यात्रा दिव्य यात्रा सकुशल संपन्न हुई और तालवेट के पेट्रोल पंप से हम एक पूरी खबर आपको दिखा रहे थे। वहीं ऐसी खबरों के लिए हम बता दें लगातार हमारे क्षेत्र की ललितपुर जनपद की बुंदेलखंड की खबरों के लिए आप हजारिया टाइम्स को सब्सक्राइब करिएगा और हम आपसे वादा करते हैं कि आप तक खबरें पहले पहुंचाएंगे। वहीं इस खबर के लिए तालवेट से राजन गोस्वामी के साथ अमित गुप्ता की।